हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की हिंदी रीडर पढ़ा रही थी, जिसमें लेसन वन पढ़ा रही थी मैं आप लोगों को, आ रही रवि की सवारी। तो इसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आगे के क्वेश्चंस आज की वीडियो में कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया? तो आंसर होगा, कवि ने पक्षियों को वंदी और चारण के समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव किरण बादल दल और पक्षी रवि की सवारी का स्वागत किस प्रकार करते हैं? तो आंसर होगा, नव किरण से रथ सजा है, बादल दल से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी की है और पक्षी वंदी और चारण गा रहे हैं, कीर्ति गायन इस प्रकार स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी से क्या आशय? तो आंसर होगा, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी से आशय यह है कि रात का राजा खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, अर्थात चंद्रमा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर सूर्योदय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर होगा, सूर्य उदय होते ही उजाला हो जाता है, जब सूर्य का रथ आता है तो सब प्रकार का अंधेरा उसके रास्ते से हट जाता है। तो मैंने ये आप लोगों को क्वेश्चंस कराए और आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।